नमस्कार, मैं हूं ज़ैनब और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। शिमला के टाका बेंच में एक बुक कैफे है जहां ग्राहकों को चाय, कॉफी और खाने के साथ पढ़ने के लिए किताबें भी मुहैया कराई जाती हैं। कैफे में खाने वाले लोगों की भीड़ जमा रहती है, मगर कम ही लोगों को खाना बनाने वालों की सच्चाई मालूम होती है। दरअसल लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि जिस खाने को वह इतने मज़े से खा रहे हैं, वह खाना असल में जेल का खाना होता है। शिमला की जेल में कुछ कैदियों को ओपन जेल सिस्टम यानी खुली जेल व्यवस्था के तहत छोड़ दिया जाता है। ये ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने कोई संगीन जुर्म नहीं किया होता है। वे दिन भर जेल से बाहर रहकर काम करते हैं और रात को लौटकर जेल में चले आते हैं। हिमाचल की खुली जेल में 4 साल पहले शुरू हुए एक कैफे ने 2017-2018 वित्तीय वर्ष में 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की। इस कैफे को 135 कैदी चलाते हैं। ये लोग सिर्फ कैफे में ही सर्विस नहीं देते, बल्कि धर्मशाला, शिमला और नाहन में फूड वैन भी चलाते हैं। इस पहल को पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी खूब पसंद करते हैं। हिमाचल के लोकल लोगों के साथ अन्य राज्यों के लोगों का ये कहना है कि उनको बुक कैफे की कॉफ़ी काफ़ी पसंद है, लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि ये अलग तरह की कोशिश है जो बेहद ही सराहनीय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के अन्य राज्यों की जेलें भी ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार करेंगी।